मेरे बारिश होती थी तो मेरे गांव का तालाब पानी से भर जाता था। वो गांव के बीच में कुआं था, तो वो तैर के कुआं पर जाके सब लोग कुआं में कूदते थे, नहाते थे और मजा करते थे। तो मेरे चार पांच दोस्त थे, मैंने कहा हम चलो तालाब भर के नहाने के लिए, पर मैंने कहा मुझे तो तैरना आता नहीं, तो कोई बात नहीं के हम तुमको पकड़ के ले जाएंगे। वो लोग मुझे पकड़ के ले गए और कुआं की बैठने की जगह था मैंने बिठा दिया। वो लोग कूद का मारते थे, नहाते थे और मैं सब देखता था। तो किसी ने सोचा कि उसको भी तैरना आता होगा, तो मुझे धक्का मार दिया, मैं कुएं के तले चला गया। मैंने कहा मैंने पैर मार के फिर ऊपर आके जंजीर पकड़ लिया, समझे ना। तो मैंने कहा ये तो मैं कर सकता हूँ, फिर मैंने खुद ही जंप लगाया और तब से मैंने देखा कि साहस में ही जीवन है, खतरों में ही जीवन है। लिव डेंजरसली देन यू कैन अचीव समथिंग, सो डोंट कॉम्प्रोमाइज। आई बॉर्न इन लोथल, वो मेरे गांव का नाम गुंदी था और वहाँ जो स्टेशन था रेलवे उसका नाम भूरकी रखा था। मैं बचपन से ही बहुत एक्टिव था, कुम्हार के लड़के मेरे दोस्त होते थे, सब तर कर तो वहाँ से लकड़ी ले आता था। एक सूरा भगत करके मेरा एक खेलू था, तो अपने कंधों में बैठा के घोड़े पर मुझे ले जाता था। वो एक हिल थी कि यहाँ पहले एक बड़ा नगर था, वो कहानी सुनाता था। कुछ समय के बाद ये रिसर्च हुआ कि यहाँ पूरा सिटी निकला है, सरकार को हमने दो तीन खेत दे दिया, वो सब हमारे खेत में ही निकला। फिर मैं भी घर में नहीं रहा, मैं भी बाहर निकल गया अपना रास्ता ढूंढने के लिए, ऐसा हुआ। कुछ समय के लिए जूनागढ़ गिरनार का जंगलों में घूमता रहा। मेरा फादर साहब लड़ाई हो गया था, ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन आगे निकल गई, जो फिर वापस आया। फिर मेरा खाली कलर और मेरा पेपर ने ड्राइंग पेपर ने बोर्ड बचा था, वो मैं कंधा पर डाल के चढ़ गया। कपड़े उपड़े तो कपड़े भी फट गया था, पर वहाँ कुछ लोग मिल गए। एक गौशाला था वहाँ, एक साधु के बड़े बड़े मठ है वहाँ, तो मंदिर का प्रसाद दिखा के पहले दिन तो मैं सो गया बाहर। तो किसी के बच्चा यहाँ कहाँ से आ गया क्योंकि, तो साधु अंदर ले गया मेरे को कि यहाँ तो रात को शेर सब कुछ आता है के। पर सडनली रात को मैं उठा, वो उठा मैंने खिड़की पास गया, हाँ तो वॉट एक्सपीरियंस, थाउजेंड ऑफ जुगनू जो बत्ती है ना, और जंगल के अंदर पहाड़ के छाया हुआ अद्भुत, उसने मेरे अंदर बैठा आर्टिस्ट को जगा दिया। उसके बाद फिर वहाँ कुछ मैं लैंडस्केप किया था, कोई सेठ लोग मिल गया, वो कह हमें अच्छा लगा तो उन लोगों ने खरीद लिया। तो 600 रुपया लेके मैं अहमदाबाद आ गया, और CN कला विद्यालय में जाके रसिकलाल परीख को मिला, तो फिर मैं वहाँ क्लास ज्वाइन कर दिया। वहाँ से मैं बड़ौदा गया, तब ज्योति भाई वहाँ बड़ौदा में थे मेरे मित्र, तो उसको मैंने कहा कि मुझे बेंद्र साहब से मिला दो। फिर बेंद्र साहब को मेरा वर्कशॉप दिखाया, उनको अच्छा लगा तो मुझे वहाँ एडमिशन दे दिया। फिर 62 के जुलाई में के अगस्त में मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में फिर ऑक्टोबर प्रास करके एक एम्बेसडर आया था, तो स्वामीनाथन ने जो आर्टिस्ट से हमारे दोस्त हो गए थे, तो कि चलो तेरा वर्क उसको तो मेरे ड्राइंग ऑन बर्न पेपर कोलाज जो मैंने किया था 1962 में वो दिखाया। तो मेरे पास तो खुशी कुछ था ही नहीं, वो पीलो था, पीलो पर बैठ के उसने एक एक इतना गौर से मेरा वर्क देखा, फ्रेंच का फेलोशिप दिलवा दिया। फिर मैं फ्रांस चला गया 1966 में। फ्रांस में गया तो सबसे पहला म्यूजियम जो देखा तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया, और सुबह गया तो शाम को 6 बजे तक देखता ही रहा। इम्प्रेशनिस्ट म्यूजियम मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसमें एक एक मास्टर का वर्क, एक 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 से दादा था। ये जो फ्रीडम मॉडर्न मूवमेंट का, ये कोई समझे नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में आज जो आपके पास फ्रीडम है ना, वो कभी जब नहीं था दुनिया में पहला, तो वो फ्रीडम आपका वर्क में, आपका जीवन में दिखना चाहिए। मैं जब 62 में दिल्ली आया
तो स्वामीनाथन, अंबादास, राजेश मेहरा सब आर्टिस्टों को मेरी पहचान हुई। पर जब मुझे पहला नेशनल अवार्ड मिला तो सारे आर्टिस्ट मुझे मिलने को बड़ा क्यूरियस थे, वो बड़े प्यार से मिला, सब अपने घर खाने को ले गए गया, बड़ा बहुत मेरा स्वागत किया। फिर ऑक्टोपास भी चाहता था कि कुछ नया बने, तो उसने हमारे ग्रुप का इंट्रोडक्शन दिया और बहुत अच्छा लिखा, वेरी नाइस। और उसका एक शो भी हुआ और नेहरू ने ऑनोग्रेट किया, नेहरू ने लाइफ में ये ग्रुप 1890 का शो ऑनोग्रेट किया है। तब नेहरू को हार्ट अटैक आ गया था चाइना का अटैक से, तो बीमार था फिर भी वो आया था। और ये जो शो हुआ तो इतनी भीड़ हुई थी, मैंने कहा नेहरू देख रहे हो, कि मैं तो डर गया नेहरू देखेंगे मैं क्या बातें, मैं तो भीड़ में अंदर घुस गया। तो माइक पर अनाउंस हुआ कि मेरा वर्क के सामने नेहरू जी खड़ा, के उसको बुलाओ। तो मुझे ढूंढ के ले गए वो नेहरू जी के सामने, तो मेरा बन पेपर खोला देख, अरे भाई मैं तो अनाड़ी आदमी हूँ, मुझे कुछ समझाओ। तो नेहरू जी ने जब ऐसा कहा था मेरे को बहुत हंसी आया, मैंने क्या बात है। तो 67 में मैं अहमदाबाद आ गया, हसमुख पटेल करके मेरे एक दोस्त आर्किटेक्ट था, मैंने कहा यार मेरे पास कुछ पैसा नहीं, कोई काम नहीं है, तो वो सेंट जेम्स प्राइमरी स्कूल बनाता था, तो मैंने कहा हमने 3 जगह छोड़ी है आर्टिस्ट के लिए, तू कर। तो मैंने 3 वॉल बनाया रिलेशन टू मॉडर्न बिल्डिंग, काम पूरा हो गया तो हम फिर दिल्ली चले गए, फिर वापस, फिर दिल्ली में घड़ी हो गया तो घड़ी में काम किया, फिर घड़ी में टेराकोटा में नई शुरुआत किया। मेरे पास पैसा नहीं था, ऑयल पेंट बड़ा महंगा पड़ता था, तो न्यू दिल्ली स्टेशन के सामने कुंभार का वाड़ा था, तो वहाँ से 60 रुपये किलो मट्टी ले आए, तो 800 किलो मट्टी ले आए, उसको गोंदा, रिफाइन किया, सर्व किया, और फिर उसका मैं काम शुरू किया। फिर मैंने मट्टी में ऐसे डायरेक्ट काम किया, फिर स्लिप कास्टिंग किया, क्योंकि स्लिप कास्टिंग में क्या है थोड़ा सॉफिस्टिकेशन आता था, और 20 के 25 साल घड़ी में मट्टी साथ काम करते रहे, लोग कोई देख रहे हैं कुछ नहीं देख रहे, कुछ सर पर ये क्या कर रहा है ऐसा भी कोई मजाक भी उड़ा रहे कि उसको कुछ नहीं आता है, वो कहीं भी मट्टी में होल्ड कर देता है, ये कर देता है, ऐसे समझे ना, पर मैं मेरा करता ही रहा। वॉट इज क्रिएटिविटी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टीच, पर कुंभार बनाते देखो क्या बात है, मट्टी बनाता है, हाथ को एक्सरसाइज, आँख को एक्सरसाइज, शरीर को एक्सरसाइज, पीन बनाता है, फिर मट्टी को चाकू पर रखता है तो उसमें केंद्र ढूंढता है, तभी तो पॉट उठेगा, तो फिर आपका केंद्र मिल जाता है, फिर धीरे धीरे मट्टी उठाता है, जैसा आपका ईगो गिरता है ऐसा मट्टी ऊपर उठती है। क्रिएटिविटी इज ओनली द सेलिब्रेशन, जितने आर्टिस्ट है इतनी आर्ट हो सकती है और इतनी संभावना है, तो ये आपको जन्म मिला है वो जीवन नहीं है, पर जीवन का उद्धार करने का अवसर मिला है, जीवन को देखना जीवन का बात और ही है।